हम लोग को बस एक चांस मिलेगा तो इस साल भी हम लोग विजेता बनेंगे। देखिए लौंगा की टीम की जो कोच और क्या चूक हुआ है महम्मदपुर की टीम से उस चीज को हम जानेंगे। पहली भाग हमारी बाकवा की टीम भाग ले रहा है उस चीज को दिखाएंगे और टीम देखिए अभी टीम बना रहे हैं जो काफी यहाँ के दूर दर्शक है। देखिए थोड़ा सा विलंब हुआ, भाई साहब का कहना है 2 मिलियन सब्सक्राइब होगा। जय हो भोलेनाथ, जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जय कृष्ण भगवान। हेलो कौन है जी? देखिए और बता दे जो कि यहाँ पे कुछ अश्लील बॉय भी आए हुए हैं जो कि बीच बीच में गलत गलत बयान दे रहे हैं, उनको छोड़िए, उन पे हमें बिल्कुल फोकस नहीं करना है और वो चीज़ दिखाएं। देखिए इनकी टीम कैमरा मैन उतर जाए नीचे और ये बताइए ये बाकवा की टीम की जो कैप्टन है वो कैप्टन कौन है? क्या लगता है आपकी टीम विजेता? ये बाकवा की टीम की कहना है कि हमारी टीम विजेता करेगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ की टीम की जो आए हुए हैं उनमें भी उत्साह इतना ज्यादा है कि क्या बताएं, जो कि बाकवा की टीम पहली बार अभी बैटिंग करने जा रहा है लेकिन उत्साह देखिए बोल रहा है कि जब विजेता करेगा तो बाकवा ही विजेता करेगा। लेकिन हम आपके सामने हैं और आपको दिखाते रहेंगे कि इस बार यानी 2023 में विजेता कौन होते हैं। और ये बता दें कि ये लगातार 7 सालों से ये कंटिन्यू मटका तोड़ प्रतियोगिता आ रहा है, इस चीज को दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे तमाम दर्शक हैं उनसे भी बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे इस चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी छोड़िए अब बाबू कहाँ हैं प्रतियोगिता देखने? यस सर, एंजॉय ले रहे हैं? यस सर, मजा आ रहा है? यस सर। देखिए बच्चे भी लड़की जाओ उधर जाओ सुन, ओ सॉरी लड़का है, एक चूल के कारण लगा कि लड़की, आगे बढ़िए सब जाइए। सबसे सबसे पहले बता दें अब बता दे जो कि अभी अभी बाकवा की टीम फर्स्ट बार पहली बार ही बाकवा की टीम प्रयास करेगी माटका तोड़ प्रतियोगिता में विजेता होने की, और इनके कैप्टन का कहना भी है कि बाकवा की टीम विजेता करेगी। देखते हैं क्या ऐसा हो पाता है कि इनकी टीम तैयार है और बनावट हो रहा है, इस चीज को दिखाएंगे। और जो यहाँ के वॉलंटियर है जो यहाँ के रामदासपुर पोखरा के लगातार प्रयास कर रहे हैं भीड़ को पीछे रखने के लिए, उस चीज को दिखाएंगे, आप फोकस करें। और देखिए यहाँ पे हम मौजूद है रामदासपुर पोखरा पे जहाँ पे माटका तोड़ प्रतियोगिता प्रतियोगिता हो रहा है लगातार जो कि 7 साल से होते चली आ रही है, इस चीज को दिखाएंगे। आप कैमरामैन जूम करके दिखाएं, हाइट जो कि 20 से 25 फुट की हाइट है, यहाँ पे लगता है कि लमसम 4 से 5 तला की बिल्डिंग बनेगी तब जाके वहाँ पे छू पाएंगे। और देखते हैं इस बार विजेता कौन टीम होती है, धन्यवाद। और देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज, बारिश आने की संभावना है जो क्या दे रहे हैं, सुरक्षा आपको भी दे रहे हैं, देख लीजिए चीज़ है। और देखिए बाकी जो मुद्दे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी भाई साहब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और बात करेंगे अभी जो हम मौजूद हैं रामदासपुर पोखरा पे, कैसा लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। और कौन विजेता होंगे टीम का, वो तो देखना पड़ेगा, अभी देखते हैं, 4 बार तो हम देख चुके हैं। देखिए 4 बार देख चुके हैं लेकिन इस बार देखना पड़ेगा कि कौन विजेता बन सकते हैं। और ये बताइए अब तक की कौन सी टीम अच्छी प्रयास, सबसे ज्यादा लौंगा ही प्रयास की अभी तक, ये अब तक के कहा जा रहा है लौंगा लौंगा लौंगा, अब तक अच्छी प्रयास। और रामदासपुर पोखरा पे हमारे दोस्त भी आए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि चलिए कैसा लग रहा है। ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी टीम विजेता करेगी? ये दावा कर रहे हैं लौंगा की और बाकवा की टीम कर रहे हैं कि नहीं हम विजेता होंगे, इस चीज को और भी जानेंगे। क्या भैया? हाँ देखिए बाकवा की टीम कह रहे हैं कि हम विजेता करेंगे, टकराव है, आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी चिन चिन कर लेंगे। भैया ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा टीम जीतेगा, लेकिन जो भी जीतेगा संघर्ष के साथ में जीतेगा। एक नंबर बात कही है भाई साहब ने, जो जीतेगा संघर्ष के साथ जीतेगा, पहले कुछ नहीं कह सकते, पहुंच तो चुका था बाकवा की टीम में लेकिन ऊपर से आगे आगे बढ़िए। लेकिन आपको हौसले में खड़ा रहना है, हमसे है।
ये बात समझिए कि हम कमजोर हैं, लेकिन अरे जो है उसी में खुश रहो तुम राजा और राजा। आइए हम हमारपुर के टीम से जानते हैं कैसा लग रहा है। हमारे साथ मौजूद है अभी चौरसिया जी और सागर मिस्त्री जी, और क्या चूक हुआ है हमारपुर की टीम से उस चीज को हम जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम? अरे सबसे पहले मेरा नाम मंजय कुमार चौरसिया है। क्या चूक हुआ मोहम्मदपुर? अरे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ गमछी लेकर नहीं चाहिए, इसी के कारण गमछी के कारण चूक हुआ। लेकिन कहा जाएगा अब तक की टीमों में मोहम्मदपुर की टीम सबसे अच्छी टीम है। प्रयास बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप लोग फिर कोशिश कीजिए कि ऐसा कोशिश रहेगा, ये चीज है। देखिए इस सब चीजों में प्रतियोगिता में एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है। लेकिन आइए इनके टीम से हम जानते हैं कि क्या चूक हुआ जिसके कारण ये पहुंच चुके थे लेकिन ये विजेता नहीं रहे। ये हमारे साथ जुड़ चुके, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विशाल कुमार। विशाल कुमार जी, और आप बताइए क्या चूक हुआ कि हमारी टीम तो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत ही मजबूत था, लेकिन ऊपर जाकर हमारे बड़े भैया गमछी लेकर नहीं गए, लेकिन थोड़ा सा गाते बच गया, उसके लिए मैं हम लोग चूक गए और नीचे गिर गए। देखिए इनका जो कि अंतिम सीढ़ी तक कंप्लीट रहा, लेकिन एक छोटी सी चूक के कारण इनकी टीम आज विजेता नहीं हो पाई। लेकिन अब तक बाकी टीम में सब्जी अच्छी है, इसने गेम खेली है। बाकी जो चीज है आप जूम करके दिखाएं जो चेहरे, और यहाँ समझा भी ये बताइए जो प्रयास रहा बहुत अच्छा। हम लोग का प्रयास बहुत अच्छा रहा, हम लोग को बस एक चांस मिलेगा तो इस साल भी हम लोग विजेता बनेंगे। देखिए लौंगा की टीम की जो कोच है, क्या नाम है सर? विकेश कुमार यादव जी का कहना है 3 साल से हम विजेता होते हैं, अगर एक चांस मिला तो विजेता होंगे। यस सर। क्या आप लोग हैं आपके? तीसरी मंजिल तैयार हो चुकी है, वो रहा गिरने को। हेलो, और प्रयास बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इसने जो भाग लिए है खिलाड़ी वो हीरो है। देखिए जीन्स में मिलेंगे, पैंट शॉर्ट में मिलेंगे, लेकिन कहता है पैंट शॉर्ट में खेलने के लिए, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है लौंगा की टीम की। आगे देखते हैं, इस चीज को जूम करके दिखा जो कि लौंगा की टीम की प्रयास बहुत ही अच्छा रहा है। जूम करके दिखाएं उस सीन को, सीन को कवर करें ऊपर ऊपर को दिखाएं। देखिए कितना अच्छा प्रयास कर रहा है हमारे लौंगा की टीम। आइए नीचे से आइएगा, नीचे से और देखिए खत्म हो गया है। लेकिन देखिए प्रयास अच्छा रहा लेकिन सफल नहीं हुए, लेकिन प्रयास करते हैं। दीपक कुमार साहब, हाँ घर मोहम्मदपुर, और इनका मोहम्मदपुर है। क्या प्रयास अच्छा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अभी घरौली की टीम में इतना उत्साह है, इतना उत्साह है बता नहीं सकते। बाकी यहाँ के जो कोच है उनसे बात करने की प्रयास, एकदम विजेता तो नहीं बोलेंगे लेकिन आपसे कोशिश हमारी जारी है, एकदम प्रयास होगा, प्रयास होगा। बढ़िया उत्साह बहुत ज्यादा है। देखिए जो कि खरौनी की टीम की कहना है कि हम बता नहीं सकता कि हम विजेता होंगे लेकिन प्रयास करेंगे, ऐसा खरौनी की टीम की कहना है कि हम प्रयास करेंगे और विजेता होंगे।